हनुमान मूवी रिलीज हो चुकी है और इस मूवी ने सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस तोड़ के एक अलग ही कारनामा कर दिखाया है। इस मूवी की एंडिंग को एक्सप्लेन करूंगा मैं कि आखिरी में हनुमान जी को कौन सा वचन पूरा करना है जो कि उन्होंने श्री राम को दिया था, और अब क्योंकि हनुमान जी के खून की बूंद हनुमंत की आंख में गिर गई है तो क्या उसे हनुमान जी की सारी शक्तियां मिल जाएंगी। और जो इस मूवी का अगला पार्ट होने वाला है जिसका नाम रखा गया है जय हनुमान, जो कि 2025 में रिलीज होगी, क्या उसमें हनुमान जी मेन हीरो होंगे क्योंकि अब रुद्रमणि के टूटने के कारण सारे असुर जाग रहे हैं। इन सभी चीजों का आज इस वीडियो में मैं आंसर दूंगा, तो वीडियो को एंड जरूर देखना। तो आखिरी में जब हनुमंत और माइकल की लड़ाई हो रही होती है तो माइकल उसके गैजेट्स का यूज करके हनुमंत को जकड़ लेता है जिससे कि वो उस हनुमान जी की मणि को पा सके। उस मणि को हथियाने के बाद वो उसके हेलीकॉप्टर को वहाँ पर बुला लेता है जिससे कि वो वहाँ से बच के भाग सके, और जैसे ही वो उसके हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ने ही वाला होता है हनुमंत उसकी हथकड़ियाँ तोड़ देता है और वहाँ पर पड़ी पेड़ की जड़ों का इस्तेमाल करके उस हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करता है, मगर हेलीकॉप्टर और हनुमंत की ताकत की वजह से वो जड़ टूट जाती है। और उसके बाद माइकल जैसे ही उस मणि को सूरज के सामने लाता है जिससे कि वो हनुमान जी की शक्तियों को पा सके, तभी हनुमंत सूरज के सामने आ जाता है जिससे कि सूरज की किरणें उस मणि पर ना पड़ सके, और हनुमंत के हाथ में एक गदा होती है जो कि उसे इन साधु ने दी थी जो कि एक्चुअल में विभीषण होते हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि विभीषण कलयुग में कैसे आ गए तो तुम्हें बता दूं कि विभीषण उन 8 चिरंजीवियों में से एक है जिन्हें वरदान दिया गया था कि वो कलयुग तक इस धरती पर ही रहेंगे। फिर हनुमंत वहां से छलांग लगा के उसकी गदा का उपयोग करके उस हेलीकॉप्टर को तोड़ देता है जिसमें माइकल भी जल जाता है, लेकिन उस ब्लास्ट की वजह से जो हनुमान जी की मणि होती है जिसमें हनुमान जी का खून की बूंद होती है वो भी टूट जाती है। और जैसे ही वो मणि टूटती है विभीषण ये देखते हुए कहते हैं कि इस मणि का टूटना एक बहुत बड़ा अनर्थ है, और क्योंकि अब रुद्रमणि टूट चुकी है तो असुरों को नियंत्रण में लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब सारे असुर और राक्षस जागेंगे और इस धरती पर आएंगे, और उन्हीं में से हमें कुछ दिखाई भी जाते हैं जैसे कि ये और ये। फिर विभीषण ये भी कहते हैं कि एक महायुद्ध धर्म का आरंभ है, जिसके बाद वो हनुमान जी को आवाज लगाते हैं कि अब तुम्हें सारे मानवों की सुरक्षा के लिए आना ही होगा हनुमान। और फिर हमें यही चीज दिखाई जाती है जहां पर कैमरा हिमालय पर्वत की ओर जाता है और एक पर्वत के नीचे एक गुफा से होते हुए हमें हनुमान जी के पास ले आया जाता है जो कि एक बर्फ के पहाड़ के अंदर ध्यान में विलीन होते हैं। और साथ ही साथ हनुमंत जिसने हेलीकॉप्टर को नष्ट किया था वो भी नीचे गिर रहा होता है, और क्योंकि मणि टूट गई थी लेकिन उसमें जो हनुमान जी के खून की बूंद थी वो सीधे हनुमंत की आंख में जाके गिरती है। और जैसे ही होता है हिमालय में वो बर्फ का पहाड़ टूटता है और हनुमान जी राम का नाम लेते हुए उस बर्फ से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद हमें इस मूवी में हनुमान जी का पहला अपीयरेंस देखने को मिलता है। भगवा वस्त्र धारण किए, हाथ में रुद्राक्ष की माला और शरीर में जनेऊ डाले, आंखों में तेज के साथ वे अपने स्थान से पहला कदम बाहर रखते हैं। इसी के साथ अब हनुमंत वहाँ से नीचे गिरना बंद कर देता है क्योंकि अब स्वयं उसकी हनुमान जी रक्षा कर रहे होते हैं, और फिर चीजें साइमल्टेनियसली होना शुरू हो जाती हैं। जब हनुमान जी वहाँ से उड़ना शुरू करते हैं तो इधर हनुमंत भी ऑटोमेटिकली उड़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद हनुमान जी सीधा वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर हनुमंत होता है, और उन्हें देखकर विभीषण अपने असली रूप में आ जाते हैं उन्हें नमन करने के लिए। फिर हनुमान जी और हनुमंत एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और ये देखकर हनुमंत हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन तभी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती है, हनुमान जी के सामने से होते हुए एक कपड़ा आता है जो कि हनुमंत के शरीर के पीछे लग जाता है एक सुपर हीरो के केप की तरह। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये कपड़ा कौन सा है तो ये वही है जो माइकल ने यूज किया था उसके सूट में, जो कि ऑटोमेटिकली निकल जाता है जब वो उसके हेलीकॉप्टर की ओर जा रहा होता है। और ये पूरा सीक्वेंस ये सिग्निफाई करता है कि हनुमान जी ने अब हनुमंत को और भी ज्यादा शक्तियां दे दी हैं। और इसके बाद विभीषण हनुमान जी से कहते हैं कि मैंने अपना दिया हुआ वचन पूरा कर दिया है और अब आपने जो वचन श्रीराम को दिया था वो पूरा कीजिए। और यहाँ पर जिस वचन की बात हो रही है वो यही है कि श्रीराम ने हनुमान जी से कहा था कि जब भी मानव जाति पर संकट आएगा तो हनुमान तुम खुद उनकी रक्षा करोगे। और अब क्योंकि सारे असुर बाहर आने लगे हैं तो हनुमान जी को खुद धर्म युद्ध के लिए आगे आना पड़ेगा। और यही सब हमें देखने को मिलेगा इस मूवी के अगले पार्ट में जिसका नाम होने वाला है जय हनुमान, जो कि 2025 में रिलीज होगी। और हाँ, एक और चीज, अगर तुमने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, जिसका एक कारण है ये अभी तक की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शुरुआत है किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स की हमारे इंडियन सिनेमा में, जिसका नाम है प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो कि एक सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स होने वाला है। हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास का पहली बार इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल हुआ है इंडियन मूवीज में। लोग कहते हैं ना कि हमारी इंडियन हिस्ट्री में भी इतनी सारी चीजें हैं लेकिन कोई भी अच्छी मूवीज बनाता ही नहीं है उसके ऊपर, बस हॉलीवुड वाले ही आगे निकलते जा रहे हैं सुपर हीरो जॉनर में। तो यही वो मूवी है जिसने हमारी इंडियन हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से यूज किया है। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी, बस लाइक कर देना वीडियो को और वो बेल आइकन जरूर दबा देना, बहुत कम लोगों ने ऑन कर रखा है। और जब तक के लिए ये वाली वीडियो देख सकते हो, और देखते रहिए सुपर नेस्ट।